ओपन कर लेते हैं हम लोग अपना प्रोजेक्ट। और हम लोगों ने यही प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे थे, ठीक है। तो ये कोड हमने करा था पिछले रिकॉर्डिंग में, ठीक है, पिछले वीडियो में ये था, ठीक है। तो मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक और रन एज ऑन सर्वर, और रन ऑन सर्वर मैं कर देता हूँ। सक्सेसफुल डिप्लॉय कर रहा है, मैं क्लियर कर दूंगा इन सबको। तो डिलीट का काम हमने पिछले रिकॉर्डिंग्स में कर लिया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं अब आज क्या करने को बाकी है। index.html रन हो गया हमारा, ठीक है, चल जा भाई, लोडिंग आ गया। अब डेटा भी आ जाए तब ना, ये सारे डेटा है। इतना सारा डेटा कहाँ से आ गया भाई, कोई बात नहीं, एरर आ गया, इस पे भी क्लिक किया फिर से एरर आया, इस पे भी क्लिक किया फिर से एरर आया। तो ये डेटा तो प्रॉपर डिलीट हो जा रहा है, ठीक है। इस पे डिलीट किया, इस पे डिलीट किया, इस पे डिलीट किया, तो ये डेटा जो है डिलीट हो रहा है हमारा। ये देखिए डिलीट हो गया डेटा। फिर इस पे जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड है, तो फिर इस पे क्लिक किया तो एरर आया, पर ये रिकॉर्ड यहाँ तो है ही है। तो पेज हमें रिलोड करने के बाद पता चल रहा है कि डेटा डिलीट हो रहा है, ठीक है। अब एरर क्यों आ रहा है तो दिखाता हूँ मैं आपको, एरर क्यों आ रहा है देखते हैं कोड में क्या लिखा है मैंने। तो अच्छा, कल रिस्पांस नहीं आ रहा था, उसका कारण ये है ना कि ये आपके सामने मैंने आखिरी बार करा था जो है एक्सपेरिमेंट, तो आखिरी बार मैंने जब इसको कमेंट करा तो आ गया। तो ये प्रॉब्लम ना ये जेसन वाला कर रहा है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम करे उसे क्या करना चाहिए, रास्ते से हटा देना चाहिए। मैं भी हटा दूंगा इसको अपने रास्ते से। तो अब प्रिंट हो जाएगा डन, ये जो आईडी मैंने प्रिंट करा है इसको भी हटा दूंगा रास्ते से, इसका मुझे जरूरत नहीं है। ये डिलीट क्या रिटर्न कर रहा है, ये तो ट्रू ही रिटर्न करेगा, इसका भी जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट डाव है तो इसके अंदर हमने एग्जीक्यूट अपडेट करा है, तो ये जब चलता है एग्जीक्यूट अपडेट तो 1 आ जाता होगा, फिर ये जब चलता है तब नहीं आता होगा, ठीक है। तो इसको मैं कर दूंगा गायब, अब जो है सक्सेसफुली डन आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिलीट का कोड है हमारा, अब चलेगा ये प्रॉपर। और ये जो है ये इतना डिलीट का इधर सर्वलेट वाला कोड है, ठीक है। अब एरर के लिए क्या मैसेज दे देंगे हम, इंटरनल सर्वर एरर वगैरह दे देंगे, कुछ और क्या। इंटरनल सर्वर ई एरर 500 दे देंगे और क्या, स्टेटस कोड, ठीक है। स्टेटस कोड हम 500 दे देंगे डिलीट अगर डेटा नहीं होता है उस केस में, ठीक। मैंने सेव कर दिया प्रोग्राम, ये देखिए पूरा फॉल्स ट्रू 1 आईडी वगैरह आते जा रहा था, ठीक है। चलिए रिलोड हो रहा है सर्वलेट, वर्क बेंच में खोलता हूं। भाई मेरा स्लो चल रहा है थोड़ा सिस्टम, ठीक है। तो अब मैं आऊंगा यहाँ पे ब्राउजर में, इसको मैंने कट कर दिया, यहाँ पे आया, ठीक है, लोडिंग हुआ, ठीक है।
लोडिंग जल्दी हो जाए। लोडिंग होने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक मिनट रुक, ठीक है, हो गया। ये डेटाबेस भी हमारा चालू हो चुका है, पासवर्ड रूट मैं दे देता हूँ इसको, ओपन हो जा भाई जल्दी से। तो इसमें सबसे पहले मैं इस स्टेटमेंट को चला लूँ, फिर मैं स्टूडेंट्स वाले स्टूडेंट स्टेटमेंट को चलाऊँ, तो यही डेटा बचा है यहाँ पे और क्या। तो अब देखिए मैं डिलीट पे क्लिक किया, अब डन आ चुका है, ठीक है। अब डेटा ये गायब होना चाहिए, गायब क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि रिलोड नहीं हो रहा है, तो गायब नहीं हो रहा है, रिलोड करूंगा तो ये गायब हो जाएगा। अब फिर से मैंने इस पर क्लिक किया, अब डिलीट डन हो गया, लेकिन अब ये तो डिलीट हो गया रिकॉर्ड पर, ये दिखाई दे रहा है, तो इसको हटाएंगे कैसे थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन इस पर मैं फिर से क्लिक करूंगा तब आ जाएगा 500 एरर, क्योंकि ये आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या कहते हैं डिलीट कहाँ से होगा। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा इंटरनल सर्वर एरर, जो हमने स्टेटस कोड दे रखा था, ठीक है। तो देखिए एरर का 500 कोड आ गया, ठीक है। तो चलिए इसको हटाना कैसे है उसका मैं कोड लिखता हूँ। तो क्या करेंगे, ये तो कोड यहाँ डिलीट का प्रॉपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सर्वर साइड करने का कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हम आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, सारा कोड हमें यहाँ करने का जरूरत है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो एजेक्स वाला कोड है, ठीक, थोड़े देर के लिए इसको मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कमेंट किया, अब मैं क्या करूँगा, console.log करता हूँ, ठीक। दिस को ही मैंने console.log कर दिया, ठीक है। अब दिस को मैंने console.log किया, तो मैंने एजेक्स का जो रिक्वेस्ट वाला कोड था, ठीक है, वो रिक्वेस्ट वाला कोड तो मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब डिलीट तो मेरा डेटा होगा नहीं, अब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, डन, डिलीट हो गया डेटा। क्यों क्यों हो गया भाई डिलीट, तो एजेक्स वाला जो मैंने कोड कमेंट करा है ना, उसी में प्रॉब्लम होगा। ये देखिए अभी ये कमेंट नहीं हुआ, क्यों कमेंट नहीं हुआ, कैश में रह गया ना, हमें रिलोड करना पड़ेगा। अभी देखिए, अब मैं शिफ्ट के साथ F5 रिफ्रेश कर दबाया, शिफ्ट के साथ F5 करके रिलोड किया, तब ये कोड कमेंट हुआ, ठीक है। अब मैं इसको रिलोड करूंगा, फिर से Ctrl-U दबाऊंगा, ये देखिए तब ये अब कमेंटेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब काम करेगा, वो कैश में स्टोर था इसीलिए मेरा जो है डिलीट कर दिया डेटा। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये पूरा बटन आ गया, ठीक। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही सर्वर से रिस्पांस आए, क्या डन भाई, ऐसा ही डन रिस्पांस आता है, ऐसा ही डन रिस्पांस आता है ना सर्वर से। तो ऐसा जैसे रिस्पांस डन आए तो मैं क्या करूँ, ये जो रिकॉर्ड है ना, ये एक रिकॉर्ड में और ऐड कर लेता हूँ, ये रिकॉर्ड कर, सेव पे क्लिक किया, सेव सक्सेस हो गया ये, ठीक है। 3 सेकंड के अंदर फॉर्म खत्म हो गया। फिर से इसमें कोई रिकॉर्ड में डाल देता हूँ ऐसे, ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा सेव, ठीक है। रिसेट पे क्लिक करूंगा तो गायब हो जाएगा, इसको क्लोज कर दूंगा। अब फिर से, अब जो है क्या कहते हैं, मैं डेटा सेव कर रहा हूँ फिर भी यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है, तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन मैं अभी तुरंत कर दे रहा हूँ। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये document.ready के अंदर ये पूरा कोड लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आइए, ठीक है, इसको क्या आप कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पे मेरा पॉइंटर आया, मतलब यहाँ पे कोड है, तो इसका ध्यान से 1 2 यहाँ पे सिर्फ पैरेंथेसिस रहने दीजिए, ठीक है, और आइए ऊपर, और यहाँ पे जो document.ready है इसको भी आप डिलीट कर दीजिए ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे क्या करिए, नाम लिख दीजिए कोई फंक्शन का, जैसे मैं करूँ ऐसा करना, तो गेट डेटा, गेट ऑल डेटा कर देता हूँ, ऑल डेटा, ठीक, ये फंक्शन बन गया, ठीक है। आप फाइट एरो फंक्शन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्ट करके बनता है, ठीक है।
तरह से भी आप बना सकते हैं। तो ये न्यू जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये हो गया, अब एरर भी चला गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, फंक्शन ऐसे, ठीक है। तो आप ए वाला लाइन लिखें या ए वाला लाइन लिखें, दोनों वैलिड है, ठीक है। तो मैं यही रहने देता हूँ अभी, ठीक है, मैंने सेव कर दिया प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आऊँगा, इसको रिलोड कर देता हूँ पहले मैं, ठीक। रिलोड किया, कुछ आया नहीं, क्यों नहीं आया, इस फंक्शन को हमें कॉल भी तो करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट readY डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर ही इसको मैं कॉल कर दूंगा, ठीक है, ऐसे। तो अब क्या होगा, डेटा मेरा आया क्यों नहीं भाई, डेटा तो आना चाहिए मेरा, चलो भाई तुम यहां से नहीं आओगे तो हम रिलोड, ये 5 के साथ मैंने रिलोड करा तो आ गया। तो कैशिंग का समस्या था और कोई समस्या नहीं था, ये 5 shift 5 के साथ मैंने करा तो आ गया, ठीक। अब मैं यहाँ पे आया, ठीक है, TEST लिखता हूँ, मोबाइल नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ, TEST@gmail.com, सेव बटन पे क्लिक किया, ठीक है। डेटा फिर भी अभी टेस्ट वाला डेटा नहीं आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फंक्शन को एक जगह और कॉल कर देना होगा, ठीक है। डेटा दोबारा लाने के लिए तो और भी मेथड है, लेकिन ये देखिए जैसे ही सक्सेस का रिस्पॉन्स आए मैसेज पास कर दीजिए, यहाँ ये वाला कॉल कर दीजिए, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, एंटर मारा, आ गया टेस्ट वाला, मैं टेस्ट 2 भी एक डेटा डालता हूँ, टेस्ट 2 @gmail.com, ठीक। अब आप यहाँ पे देखिएगा एक रिकॉर्ड अपने आप आ जाएगा सेव करते के साथ, सक्सेस, यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर लेंगे। अब इस पे डिलीट बटन पे क्लिक किया तो डिलीट वाला बटन आ गया, ठीक। अब ए वाला क्या कहते हैं, ए वाला मुझे रो को गायब कर देना है जैसे ही डिलीट होता है, तो ठीक है। हम ये भी कर सकते थे कि जो मेथड था, ठीक है, जैसे हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के बाद इस मेथड को कॉल कर दिए, वैसे ही ठीक हम यहाँ पे भी कॉल कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे भी कि जैसे सक्सेस का रिस्पांस आए ये मेथड कॉल कर देते तो डेटाबेस से दोबारा डेटा आता और नया डेटा दिखता, पर मैं ये नहीं करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, खाली रो को रिमूव कर दूंगा, ए वाला रो को डिलीट कर दूंगा तो भी काम हमारा बन जाएगा, तो सर्वर से कहे के लिए डेटा लाना, ठीक है। तो क्या करूंगा, ये अभी बटन है, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो मुझे रो कैसे मिलेगा वो वाला, ठीक है, मुझे रो को रिमूव करना है, ठीक है। तो वो रो कैसे मिलेगा, तो ये बटन है, बटन का पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, तो ये div है। इस div का पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, तो ये td है। इस td का पेरेंट कौन सा है, तो ये tr है, और यही tr को मुझे रिमूव कर देना है html में से, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, इस पे चलाऊंगा पेरेंट मेथड, तो एक बार चलेगा तो ए आएगा, दूसरा बार चलेगा तो ए आएगा, तीसरा बार चलेगा तो ए वाला पेरेंट आएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉट पेरेंट एलिमेंट, ठीक। पता नहीं मेरा स्पेलिंग सही है या गलत है, सही होगा तो जो है पेरेंट एलिमेंट आ जाएगा। तो अभी बटन आ रहा है, ठीक है, डिलीट बटन पे क्लिक किया,
देखिए मेरा स्पेलिंग सही था, तो अब डिव आ गया पूरा, बटन का पेरेंट। ठीक है, तो ऐसे ही दो तीन बार मैं पेरेंट लिख दूंगा। ठीक है, एक दो और पेरेंट लिखा, तो अब क्या होगा, पूरा टीडी आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए पूरा टीआर आ गया, पूरा रो आ गया, ये देखिए पूरा ए वाला रो आ गया ना। अब आप चाहें तो रो में से एक एक ए वाला एलिमेंट को भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी वो नहीं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए वाला आ गया। अब इस टीआर को हमको क्या करना है, रिमूव करना होगा। कैसे, डॉट रिमूव मेथड करेंगे तो रिमूव हो जाएगा ये टीआर। ठीक है, यहाँ पे आया, किया, ये देखिए रिमूव हो गया है तुरंत, यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया, तो कोई बात नहीं, फिर इस पर किया, क्लियर, तो रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये खाली HTML से रिमूव हो रहा है, डेटाबेस से नहीं डिलीट हो रहा है, रीलोड करूंगा वैसे ही अपने आप आ जाएगा पूरा डेटा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि डेटाबेस में डिलीट हो जाए और डन का मैसेज आ जाए। ठीक, तो ये वाला लाइन कहाँ करेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे, जैसे ही यहाँ पे डन का मैसेज आए यहाँ पे डेटा रिमूव हो जाए। ठीक, लेकिन लेकिन एक चीज और मैं अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे क्लिक किया तुरंत डेटा हट गया, मजा नहीं आया। ठीक है, मजा नहीं आ रहा है ऐसे में, तो मैं क्या करूंगा, डॉट सी एस एस कुछ एनिमेशन वगैरह लगाना चाहूंगा मैं इसमें। ठीक है, तो कैसे लगाऊंगा एनिमेशन, मैं जानता हूं कि मेरा रिकॉर्डिंग फालतू के बहुत लंबा हो रहा है, 16 मिनट हो गया, जबकि अब तक बॉबी में कुछ काम नहीं करा, पर नो प्रॉब्लम, अगर देर थोड़ा लगता है और उस देर से थोड़ा आपको अगर कुछ समझ में आ जाता है कुछ चीज़ें, अच्छा तो अच्छी बात है। ये देखिए, तो इसी में से मैं कुछ एनिमेशन लाता हूँ। कौन सा एनिमेशन ठीक है भाई, यही एनिमेशन लगा दो क्या, किनारे भाग रहा है ये, मजा नहीं आ रहा, एग्जिट वाला ठीक रहेगा, नीचे गिर जा रहा है, कौन सा एनिमेशन करूं भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा करूं, फेड आउट ही कर दिया जाए क्या, नहीं मैं फेड आउट नहीं करूंगा, बाउंस इन बाउंस एग्जिट, बहुत ज्यादा मैं ना खोजते हुए यही वाला लगा दूं क्या, यही वाला मैं लगा देता हूँ बहुत ज्यादा ना खोजते हुए। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, पेस्ट करके यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक, अब एनिमेशन को लागू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा, आइए नीचे। ठीक है, रिएक्ट वगैरह पे काम आप कर रहे हैं तो ये टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगा ये सब, लेकिन मैं तो रिएक्ट पे अभी काम कर नहीं रहा हूँ, तो मुझे कौन सा टेक्निक यूज करना पड़ेगा, अभी लिंक वाला टेक्निक। ठीक, यहाँ पे मैं आता हूँ, इक्लिप्स, यहाँ पे मेरा इक्लिप्स है। ठीक है, तो मुझे CDN पेस्ट करना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, हेड टैग में मैं CDN को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहीं पे CDN आ गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब वो एनिमेट काम करेगा। ठीक है, तो एनिमेशन को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो ठो क्लास लगाना पड़ता है, एक ठो तो एक क्लास होगा जो जो एनिमेट आप देना चाहते हैं उस एनिमेशन का नाम लिखेंगे, और एक क्लास ये है जो कि सभी में लगा रहेगा ये एनिमेट। ठीक है, तो इसको भी मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा, इस पे दे दिया, तो एक क्लास मुझे ऐड करना होगा रन टाइम पे। ठीक है, तो रिमूव के जगह पे मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ,
डिलीट करके el एलिमेंट को यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू, हो रहा है, एलिमेंट स्टोर हो गया। अब डॉलर के सहायता से मैं jQuery के टेक्निक से सेलेक्ट किया और क्या कर दिया, ऐड क्लास में इस क्लास को मैंने यहाँ पे आके ऐड कर दिया, ठीक है। ये क्लास अब ऐड हो जाएगा। अब होगा क्या आप देखिएगा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे आया मैं और डायनामिक मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्लास ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एलिमेंट मिल गया, उस एलिमेंट में मैंने डायनामिकली ऐड किया। अब इसमें मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए गायब हो गया, ठीक है। इस पर क्लिक करा, ये हो गया, ठीक है, ऐसा हो रहा है। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे वो इफेक्ट के साथ गायब तो हो गया, पर वो एनिमेट वो जो एलिमेंट है वो यहीं पे है, ठीक है। आपको मैं अगर दिखाऊं, यहाँ पे मैं किया राइट क्लिक, ठीक है, ये देखिए ये है एलिमेंट। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, इस पे क्लिक किया तो एक क्लास वैल्यू सिर्फ यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक। ये पूरा एलिमेंट तो यहीं पे है, पर एक क्लास वैल्यू ऐड होने के कारण एनिमेट होके वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, पर ये एलिमेंट तो यहीं पे है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट को रिमूव भी करना पड़ेगा, ठीक। तो el डॉट रिमूव मेथड हम कॉल कर देंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब इस पे मैं क्लिक किया, तो कोई फायदा नहीं हो रहा है ऐसे करने से। क्यों नहीं फायदा हो रहा है मैं बता रहा हूँ, जैसे ही एक ऐड हो रहा है तो एनिमेशन एक आध सेकेंड वेट करेंगे आप तबे तो एनिमेशन दिखाई देगा, लेकिन एक सेकेंड मिली सेकेंड भी नहीं वेट कर रहा, तैसे ही ये वाला लाइन चल जा रहा है रिमूव वाला और रिमूव कर दे रहा है एलिमेंट, ठीक। तो अब क्या हमें करना होगा, एक क्लास वैल्यू ऐड हो उसके 2 सेकेंड बाद एलिमेंट रिमूव हो तब जा करके जो है मजा आएगा, ठीक है। चलिए तो सेट टाइम आउट फंक्शन हम कॉल करेंगे, ठीक है ऐसे, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे ऐड और फिर कॉमा लेकर के यहाँ 2 सेकेंड पास कर दिया, ठीक। अब देखिएगा, ठीक है। अब चलिए जी देखते हैं, ये लीजिए गायब हो गया, ये देखिए आ गया। ये मैं 2 सेकेंड 2000 सेकेंड ज्यादा दे दिया, 1 सेकेंड दे दूं क्या, मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे और इंस्पेक्ट करता हूँ, तब आप देखिएगा पूरी लाइव प्रीव्यू, ठीक है। यहाँ पे ठीक, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक किया ये देखिए गायब हो गया, फिर क्लिक किया गायब हो गया, ठीक। लेकिन ये इफेक्ट मजा नहीं आ रहा है ये थोड़ा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए इस पे मैं क्लिक किया गायब हुआ पहले, फिर जो है यहाँ पे कंट्रोल ऐड हुआ, ठीक। तो अब जो है थोड़ा लग रहा है ठीक ठाक, ये देखिए डिलीट होगा तो हमें यही काम, ये देखिए गायब हो गया, तो डिलीट होगा तो हमें यही काम करना है, ठीक। तो अभी प्रॉपर काम कर रहा है, अगर मैं कोई और करूँ, ठीक है, अगर मैं दूसरा चाहूँ लगाना, ठीक है, ये देखिए इस पर क्लिक करूँ, मैं कॉपी कर लिया इसको, मैं अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। तो ये दूसरा वाला एनिमेट लग गया, ठीक। तो दूसरा एनिमेट आपको लगाना है तो आप ऐसे ही लगा लिया करोगे, ठीक है। इसी पे मैंने क्लिक करा गायब हो गया, फिर क्लिक करा फिर चला गया, ठीक है। तो आप ऐसे ही जो है काम कर लिया करोगे, डिलीट हो रहा है ठीक ठाक, ठीक है। तो ये खाली एलिमेंट रिमूव हो रहा है, एक ठो बचा है आखिरी में ये वाला टीआर, जैसे क्लिक करूंगा एलिमेंट लगेगा और 1 सेकेंड में ढक जाएगा। तो हमें यही काम करना है डिलीट के केस में, कैसे करेंगे आपको सब कुछ मैंने दिखाई दिया। अब आप यहाँ पे आइए, ये सारा लाइन को है ऐसे करिए यहाँ से कट, और फिर क्या करिए इन सभी लाइनों को यहाँ से करिए डिलीट, ठीक है। और अब क्या करिए,
फिर कंडीशन लगाऊंगा इफ, ठीक है, रेस डॉट टी आर ट्रिम, वैसे जरूरत तो नहीं है पर मैं चेक कर ले रहा हूँ, ट्रिम करो वाइट स्पेस को, डबल इक्वल टू डन। अगर डन आ गया तो क्या करो, ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको कॉपी करो और यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो ये तो सक्सेस फंक्शन है, ठीक है। एरर के केस में क्या होगा, तो ई एरर आर एक्सक्लूजन फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के इसके केस में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अलर्ट में, सिर्फ इसी को मैं सीधा प्रिंट करा दूंगा एरर के केस में, यहाँ पे एरर के रिलेटेड जानकारी आएगा, ठीक है। मैं आता हूँ फिर से यहाँ इस वाले को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक, इस पे किया क्लिक, गायब हो गया वो रिकॉर्ड, सच में अब डिलीट हो गया। रिफ्रेश करके दिखा दूँ, ये देख लो आप, डेटाबेस में दिखा दूँ, देख लो आप, ठीक, तो गायब हो गया, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, ये टेक्स्ट टू वाला रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ, क्लिक किया इसमें, गायब हो गया, ठीक, डेटाबेस में भी देख लो आप, टेस्ट टू गायब हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कुछ ऐड करना चाहूँगा तो ऐड हो जाएगा, ऐसे ही यूनिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेव किया, सेव हो गया, ठीक, यहाँ पे सेव हो गया। अब आप देखेंगे तो डेटाबेस में भी सेव हो के आ गया है। अब इसी को मैं डिलीट करना चाहूँ तो इसे पे क्लिक कर दूंगा, डिलीट हो जाएगा, हो गया डिलीट, डेटाबेस से भी डिलीट हो गया, ठीक। तो हमारा पेज रिलोड नहीं हुआ है, देखिए फिर इस पर क्लिक करूंगा ये डिलीट हो गया। लेकिन अभी एक चीज और हम कर लेते हैं, क्लिक करते के साथ डिलीट नहीं करना चाहिए, डिलीट करना थोड़ा सेंसिटिव मैटर हो जाता है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, हमें इफ लिखना चाहिए और यहाँ पे करना चाहिए कन्फर्म, ठीक है। कन्फर्म के लिए आप स्टाइलिश मैसेज भी प्रेजेंट कर सकते हो, स्वीट अलर्ट वगैरह मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखिए आप डू यू वांट आर यू श्योर डिलीट दिस रिकॉर्ड, ठीक है, ये करो, यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन कर लो और फिर ये एजेक्स का फंक्शन आता हूँ मैं नीचे, ये एजेक्स का फंक्शन बंद का है, यहाँ पे बंद है, यहीं पे मैं आके इसको कॉल कर दूंगा ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, कंफर्म का अलर्ट आएगा, यस करेंगे तो डिलीट होगा, ठीक। मैं शिफ्ट F5 के साथ दबा के एक बार और रिप्लेस कर लेता हूँ, ये देखिए इस पर क्लिक किया, आ गया आर यू श्योर डिलीट दिस रिकॉर्ड, कैंसिल किया, डिलीट नहीं होगा, इस पर क्लिक करेंगे, ओके, गायब हो गया, अब डेटा हमारा नहीं आएगा, डेटाबेस से भी डिलीट हो चुका है रिकॉर्ड, ठीक है। तो डेटाबेस से भी रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। तो डिलीट का हमारा काम कंप्लीट हो गया, पर एक काम पेंडिंग रहा, वो क्या काम है, इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो डन का मैसेज, ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे, राइट, तो सर्वर के पास जाएगा डिलीट करने का रिक्वेस्ट, ठीक है। तो जैसे ही सर्वर के पास जाएगा डिलीट करने का रिक्वेस्ट, तो सर्वर डिलीट करेगा डेट रिकॉर्ड और फिर डन का मैसेज हमें देगा, ठीक है, डन का मैसेज हमें देगा, तो यहाँ पे चेक करके हम डिलीट करेंगे। तो सर्वर पे रिक्वेस्ट गया और सर्वर रिकॉर्ड को डिलीट किया और डन का मैसेज दिया, इसके बीच में कुछ समय तो लगेगा ना थोड़ा सा, तो यूजर को पता कैसे चलेगा जैसे चला गया है रिक्वेस्ट और सर्वर अपना काम कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे लोडर प्रेजेंट करना पड़ेगा। लोडर प्रेजेंट करूंगा, भाई साहब 29 मिनट हो गए हैं, तो लोडर प्रेजेंट करने मैं आखिरी में लोडर प्रेजेंट करके आपको दिखा दूंगा कि लोडर कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो डिलीट वाला हमारा काम सक्सेसफुली हो चुका है, अब हमें क्या काम करना है,
एडिट का, इस पे क्लिक करें तो हमारा वो मॉडल ओपन हो जाए और एडिट के लिए हमारा फॉर्म रेडी हो जाए। ठीक, तो यही हम काम करेंगे लेकिन वो अगले रिकॉर्डिंग में।